अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बहुत ही जल्द एक न्यू ट्रैवल स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं जाऊंगा एक ऐसी कंट्री में जिसका कुछ हिस्सा तो एशिया के अंदर है और कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुर्की के विजिट वीज़ा के बारे में। आप आसानी से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये तो दोस्तों, तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि कुछ यूरोप में है और कुछ एशिया के अंदर है। आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए इस कंट्री का विजिट कर सकते हैं। इस कंट्री का वीज़ा जो है आप वो आसानी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको तुर्की के वीज़ा के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। आप यह वीज़ा विदाउट एजेंट आसानी हासिल कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस है, आपने वो कम्प्लीट करना है। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वीज़ा ऑफिस चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो है आपका सारा प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट चाहिए जो कि मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो। और उसके बाद आपको चाहिए 2 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के अंदर। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी 3 मंथ की सैलरी स्लिप और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको चाहिए होगा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आप वो भी साथ लगाएंगे। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं, सरकारी मुलाजम हैं, तो आप अपने महकमे से जो एनओसी लेटर है वो लगाएंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप जो है वो अपने ऑफिस से एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर और NTA नंबर और 1 साल की टैक्स रिटर्न फाइल लगाएंगे। दोस्तों, टैक्स रिटर्न फाइल बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि तुर्की का वीज़ा जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आपको मिलता है। काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट करके फिर ही वीज़ा ऑफिस जाएँ। इनके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी, आपको चाहिए एक कवर लेटर। आपने इंग्लिश में कवर लेटर टाइप करना है, जिसमें आपने बताना है कि मैं किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे जाना चाहता हूँ, वहाँ पे कहाँ कहाँ पे विज़िट करूँगा। तो ये कवर लेटर साथ लगाएं। आपने जो कवर लेटर के अंदर अपना ट्रैवल प्लान बताना है, वो आपने कोशिश करनी है कि वो 2 से 3 महीने के बाद का हो, क्योंकि जो एम्बेसी की तरफ से प्रोसेस टाइम है वो बताया जाता है जी 14 से 3 महीने तक का वो टाइम ले लेते हैं। उनकी जो वेबसाइट पे मेंशन है उसके मुताबिक आपसे वो 14 दिन से लेकर 3 महीने तक का टाइम ले सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो ट्रैवल प्लान है वो 3 से 4 मंथ्स पहले ही बना लें और ये प्रोसेस स्टार्ट कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको चाहिए होगा जी प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। अगर आप का वहाँ पे कोई जानने वाला है या कोई रिश्तेदार दोस्त है तो आप उससे जो है इन्विटेशन लेटर ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आप bookme.com या agoda.com से कर सकते हैं। आपको पेड बुकिंग नहीं चाहिए, आप सिर्फ रिजर्वेशन लगाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए एक रिटर्न टिकट। आपने कंफर्म रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन लगानी है, वो भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपने जस्ट रिजर्वेशन लेनी है, जो फुल टिकट है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एजेंट से भी ले सकते हैं या खुद भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। टिकट लेने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी आपका ट्रैवल प्लान। आपने एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान लिखना है, आपने उसमें पूरा बताना है कि आपने किस दिन कहाँ पे विजिट करना है, कितने दिन रुकना है, किस जगह पे कहाँ कहाँ पे जाना है। इसके बाद आपको एक जरूरी चीज़ चाहिए होगी, वो है जी ट्रैवल इंश्योरेंस। आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू भी परचेज करवा सकते हैं। आपने जितने दिन का वहाँ पे स्टे करना है, आप मिनिमम आपके पास उतने दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप चले जाएंगे वीज़ा ऑफिस में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस वीज़ा ऑफिस में जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो तुर्की का वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं वो हैं जी एनाटोलिया सर्विसेज वाले। आप एनाटोलिया के ऑफिस में जाएंगे। एनाटोलिया के ऑफिस पाकिस्तान में काफ़ी शहरों के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन हर सूबे में है। आप अपने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आप जिस भी सूबे में हैं तो आप अपने करीबी शहर के एनाटोलिया के ऑफिस में जा सकते हैं। उनकी लिस्ट जो है वो मैं साइट पर भी दे देता हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आप किस एनाटोलिया के ऑफिस में इजीली जा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पहुँच जाएँ एनाटोलिया के ऑफिस।
वहाँ पे सबसे पहले आपको वो जो है एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट वहाँ वहीं पे आपका थंब एक्सप्रेशन होगा, वो आपकी एक लाइव पिक्चर लेंगे। तो थंब एक्सप्रेशन के बाद साथ ही आपने जो है वो वीज़ा फीस सबमिट करवानी है। वीज़ा फीस जो है ऑलमोस्ट $60 है। उसके साथ ये है कि आपने $65 जो है वो एनाटोलिया की सर्विस फीस है वो भी पे करनी है, जो कि टोटल आपका जो खर्चा है वो 55 से लेकर 60,000 के करीब हो जाएगा। जी हाँ, तो ये तुर्की का वीज़ा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये आपको 60,000 के अंदर मिलेगा। आपने फाइल सबमिट करवा कर वापस आ जाना है, आपको जो है वो जवाब जो है वो 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके इस पर एक छोटा सा व्लॉग भी बनाऊंगा, जिसमें मैं एनाटोलिया का ऑफिस है विजिट करूंगा, आपको वो भी दिखाऊंगा और सारा प्रोसेस जो आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।